मध्य प्रदेश में कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव पर तेज हुई हलचल। तो क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया को मिलेगी कांग्रेस की कमान? मध्य प्रदेश कांग्रेस का नया अध्यक्ष कौन होगा, ये एक यक्ष प्रश्न सरीखा बना हुआ है। वैसे तो इस पद के लिए कांग्रेस में अंदरूनी घमासान पार्टी के प्रदेश की सत्ता में लौटने के साथ ही शुरू हो गई थी। इस पद की रेस में पार्टी के युवा नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया शुरू से ही सबसे आगे माने जा रहे थे, लेकिन कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की सियासी चाल के आगे सिंधिया पिछड़ते दिखाई देने लगे। लेकिन इस पद के लिए सिंधिया के नाम की चर्चा एक बार फिर से तेज हो गई। जी हां, मध्य प्रदेश कांग्रेस से जो खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए सिंधिया के नाम पर सहमति बनती दिखाई दे रही है। सिंधिया अभी दिल्ली में ही हैं और वो 5 नवंबर को ग्वालियर पहुंचने वाले थे, लेकिन अचानक से उनके इस दौरे को रद्द कर दिया गया। इसे पीसीसी चीफ को लेकर चल रही कवायद से जोड़कर देखा जा रहा है। ऐसे में चर्चाएं तेज हो गई हैं कि क्या सिंधिया को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिल सकती है। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि उसके मुताबिक जो मध्य प्रदेश कांग्रेस के आला नेता हैं, उनमें सहमति बनने की कोशिश हो रही है। सूत्रों का तो यहाँ तक कहना है कि दिल्ली में कई दिग्गज नेता उनके नाम पर सहमत भी हैं, क्योंकि लंबे समय से सिंधिया को प्रदेश की सियासत से दूर रखा गया है। लेकिन अब उनकी उपेक्षा की गई तो पार्टी में बड़े पैमाने पर खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। असल में मध्य प्रदेश कांग्रेस में गुटबाजी अपने चरम पर है। अलग अलग खेमे एक दूसरे पर समय समय पर हमलावर होते रहते हैं और यही वजह है कि प्रदेश में अब तक प्रदेश अध्यक्ष के नाम का हाईकमान एकमत नहीं हो पा रहा है। आलाकमान नहीं चाहते कि अब ये गुटबाजी आगे खींचे। ये चर्चाएं इसलिए भी तेज हैं क्योंकि मध्य प्रदेश के सीएम कमलनाथ भी दिल्ली में हैं। वो दिल्ली से विदेश दौरे पर जाने वाले हैं। अगर उन्होंने हामी भर दी तो शायद उनके विदेश दौरे पर रवाना होने से पहले सिंधिया के नाम का ऐलान हो सकता है। उधर सिंधिया की प्रेशर पॉलिटिक्स भी जारी है। उनके समर्थक मंत्री लगातार उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाने की बात करते आए हैं, लेकिन अब सिंधिया को लेकर जल्द फैसले होने की संभावना है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि सिंधिया को प्रदेश कांग्रेस की कमान मिलती है या नहीं। इंडिया न्यूज़ पैनल रिपोर्ट।